मेरी आवाज आ रही है सबका? कल हम देख रहे थे नेस्टेड फॉर लूप के बारे में, और नेस्टेड फॉर लूप का मतलब क्या होता है, एक फॉर दूसरे फॉर के अंदर, यानी कि फॉर विद इन फॉर, और इसका यूज किया जाता है टू प्रिंट मैट्रिक्स और क्रिएट मैट्रिक्स एंड पैटर्न्स। मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। और पैटर्न वो होते हैं जो हमने कल देखे हैं प्रिंट करके, कि कौन सी पोजिशन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ऐसे इसको बोलते हैं पैटर्न्स। अब ये फॉर विद इन फॉर के हम कल एग्जाम्पल देख रहे थे, कल एक एग्जाम्पल हम देख रहे थे उसका। इट्स नॉट ये कोई हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रोग्रामिंग के जरिए क्या किया जा सकता है। हमने ऐसा प्रोग्राम लिखा था और इसको अगर हम कंपाइल करके रन करते थे तो हमें इस तरीके का पैटर्न मिलता था, राइट? अब यहां पर मैं बता रहा था आपको कि हर ब्लॉक का या हर होने वाले क्रिएट होने वाले ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, और एड्रेस समझने के लिए हम क्या कर रहे थे, हमने देखा था पेंट में जाके, पेंट में जाके हमने देखा था, क्या देखा था पेंट में जाके, हमने पेंट में जाके देखा था कि ये किस तरीके से हम देख सकते हैं, इंडेक्सेस को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो चलो मैं कल की फाइल थोड़ी सी रखी है, देखते हैं ओपन करके। हाँ ये वाली फाइल थी, राइट? चलो तो मैं आपको समझा रहा था कि उतने में हमारा वो खत्म हो गया, क्या कहते हैं उसे, टाइम खत्म हुआ था, ठीक है? तो यहां पर माउस क्यों नहीं काम कर रहा है? चलो तो हमने इस तरीके से मैट्रिक्स बनाया था, और मैट्रिक्स में अगर हम देखा जाए तो हर इसका हर ब्लॉक का एक अपना एड्रेस होता है। जैसे इसका एक एड्रेस है, इसका एक एड्रेस है, इसका एक एड्रेस है, और ये एड्रेस कैसे बन जाता है, जैसे प्रोग्राम के लॉजिक से। जैसे कि यहाँ लिखा था ऊपर वाला फॉर लूप, नीचे वाला फॉर लूप, फिर ये ऊपर वाला फॉर लूप कॉलम्स प्रिंट रोज प्रिंट करता है, नीचे वाला फॉर लूप यानी अंदर वाला फॉर लूप इनर फॉर लूप क्या करता है, कॉलम्स को प्रिंट करता है। और अगर हम इस तरीके से लिखते हैं प्रिंट एफ में स्लैश एन, तो अपने आप क्या बन जाता है, एक मैट्रिक्स बन जाता है। मैट्रिक्स में हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, जो हमको चाहिए वो हम प्रिंट कर सकते हैं। अब देखते हैं ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है इसका। इसका एग्जीक्यूशन समझने के लिए हम क्या करते हैं, वही प्रोग्राम जो हमने लिखा था उस प्रोग्राम को देखते हैं। यहां पर मैं इस प्रोग्राम को ले लेता हूँ, ये जो प्रोग्राम है इसको, ताकि आपको समझ में आए इस पहली चीज। यहां उसको प्रिंट करते हैं ऐसे, इस तरीके से। ठीक है ना? चलो तो ये हमारा कंपाइलर बन जाएगा, दिस इज आवर कंपाइलर। ये हमारा कंपाइलर हो गया। ये जब इस लाइन पे आता है तो क्या होता है, क्या होता है इस लाइन पे आने के बाद, yesterday वो डॉट एच और कोनियो डॉट एच नाम के दो है जो हेडर फाइल्स है हमारे, उन हेडर फाइल्स को वो रेडी रखता है। किस लिए, हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी लॉजिक होगा उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस रहेंगे, उसके अंदर वाले जो भी फंक्शंस रहेंगे उनके लॉजिक्स इस इन दो फाइल्स में लिखे हुए होते हैं, जैसे कि सी एल आर, एस सी आर, प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो पूछता है कि वेयर इज मेन फंक्शन मेन फंक्शन, राइट? पूछता है वेयर इज मेन फंक्शन, वेयर इज मेन फंक्शन, पता चल जाता है मेन फंक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो वो क्या करता है, मेन फंक्शन की तरफ जाने की कोशिश करता है, जाता है। मेन फंक्शन यहाँ है, दिखता है मेन फंक्शन का सिंबल यहाँ पर है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग पेरेंथेसिस है। फिर उसका क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है। तो कर्ली ब्रेसेस है, इसका मतलब क्या है कि उसका एक ब्लॉक है, और ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा होगा
ये इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या लिखा है, सी एल आर एस सी आर, इसका मीनिंग हम सब जानते हैं कि सी एल आर एस सी आर का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कंसोल हमारा क्या बुक होगा, क्लियर कर कंसोल देगा। का स्क्रीन क्लियर करके रख देगा, राइट, कंसोल का स्क्रीन क्लियर करके रख देगा। इस बार रख दिया उसने, फिर वो आगे आएगा, आगे क्या लिखा है, इंटीजर आई इंटीजर जे, तो इंटीजर आई और इंटीजर ले जे लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो एक ब्लॉक बनाएगा आई का, एक ब्लॉक बनाएगा जे का, ठीक है, आई का ब्लॉक और जे का ब्लॉक दोनों की जो डेटा टाइप है वो रहेगी इंटीजर, इंटीजर ही रहेगी दोनों की, और इनका जो क्या कहते हैं, इनका जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर नहीं रहेगा, अभी कब आएगा, बाद में आएगा जब वो दिया जाएगा, अभी तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ आएगा वो फॉर देखेगा, फॉर का मतलब उसको मालूम है कि कंट्रोल स्टेटमेंट है, उसके आगे वो चेक करेगा इनिशियलाइजेशन दिया है क्या, कंडीशन दिए है क्या, और इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट दिया है क्या, और उसका वो एक ब्लॉक बनाया है क्या, तो वो देखता है कि यस देर इज अ ब्लॉक क्रिएटेड फॉर फॉर लूप, फर्स्ट वाला फॉर लूप, ठीक है। फिर वो आता है अंदर फॉर लूप के अंदर, यहां पर आने के बाद वो देखता है कि आई इक्वल टू जीरो लिखा है, सो आई इक्वल टू जीरो जैसे ही लिखा है वो पढ़ता है, वो क्या करेगा, आई के ब्लॉक में जाएगा, वहां पे वैल्यू जीरो रख देगा, मैंने इसको नाम नहीं दिया है, यहाँ पर आई लिखता हूं और इसके आगे यहाँ पर जी जी अच्छा लिखता है, ठीक है, तो वो आई की वैल्यू, आई के ब्लॉक को वैल्यू देगा जीरो। फिर अगर आई की एक, वैल्यू, आई के ब्लॉक, हाँ बोलो, सर इसमें एक एक जो फॉर है ये एक फंक्शन के ऊपर लिखा हुआ है, दूसरा जो फॉर है वो एक दूसरे फंक्शन के अंदर में लिखा हुआ है, तो ऐसा चलता है सर? ये फॉर आई और फॉर जे जो है दोनों अलग अलग स्कोप के कहाँ अंदर में लिखे फंक्शन, हुए कौन हैं? सा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, फंक्शन नहीं है ये आपका, जो फॉर वाला है सर, ये फॉर लूप आई, हाँ इसको अपन स्कोप में लिखा हुआ है ऊपर के, और दूसरा हाँ जो फॉर है ये दूसरे वो स्कोप में लिखा दूसरे हुआ है, का अभी तो मत सुनो 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 मेरी बात, कंफ्यूजन मत हो क्रिएट करो अपने आप में। देखो क्या हुआ है, फॉर लूप लिखा है, वो क्या कर रहा है कंपाइलर, अभी फॉर लूप को एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट, मैं वही समझा रहा हूँ ना आपको कि एग्जीक्यूट कैसे होता है, पहले इसको समझ लो, फिर अगर डाउट्स है तो हम क्लियर करेंगे, पहले इसको समझ लो कि ये एग्जीक्यूट क्या कर रहा है, ठीक है, लिखने के लिए तो ऐसा लिखा है, हमने क्यों लिखा है वो अभी जैसे एग्जीक्यूट होगा उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो जैसे फॉर लूप हमेशा एग्जीक्यूट करता है वैसे ही करेगा, आई के इसमें ब्लॉक में जीरो वैल्यू रखने के बाद वो क्या करेगा, कंडीशन देखेगा, क्या लिखी है कंडीशन, कंडीशन क्या लिखी है, आई इज लेस देन जी थ्री लिखा है, राइट, आई, लेस देन थ्री लिखा है, जी आई इज लेस देन हाँ थ्री लिखा है, आई की वैल्यू कितनी है, जीरो है, जीरो इज लेस देन ट्रू थ्री, फॉल्स है कि ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, ट्रू है ना कंडीशन, यस अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या अपना रूल है, रूल ये है कहता है कि कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर जाएगा, बराबर है कि नहीं, यस राइट, तो ब्लॉक के अंदर आ गया, ब्लॉक के अंदर आने के बाद क्या पता चलता है उसको, वहां पर फॉर लूप लिखा है फिर से, राइट, फिर फॉर लूप का रूल क्या बोलता है, फॉर लूप का रूल बोलता है कि क्या हुआ है, कंडीशन है क्या, इनिशियलाइजेशन है क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है क्या, और उसका एक ब्लॉक है क्या, वो चेक करना, दैट इज इट, राइट। अब वो फिर से क्या चेक करेगा, क्या लिखा है, इंक्रीमेंट है क्या, ये इनिशियलाइजेशन है क्या, यस इनिशियलाइजेशन है, फिर कंडीशन है क्या, यस कंडीशन है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है क्या, तो तीनों भी चीजें है, ब्लॉक है क्या, तो ब्लॉक भी है, तो सारी चीजें वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो उसको मतलब नहीं है क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन पे, क्या लिखा है उसका मतलब नहीं, उसको मतलब क्या है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना, फॉर लूप का रोल क्या कहता है हमको, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो कंपाइलर जो है वो ब्लॉक के अंदर आएगा, तो इसी तरह से वो अंदर तो आया है यहाँ पर, राइट, अंदर आने के बाद दूसरा फॉर लूप उसको मिला है, उससे कोई मतलब नहीं है, फॉर लूप जैसे ही मिलता है तो उसको पता है कि फॉर लूप एग्जीक्यूट कैसे करना है, फॉर लूप जैसे ही दिखता है उसको पता चल जाता है कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, और उसमें चेक करता है कि क्या लिखा है, इनिशियलाइजेशन लिखा है, कंडीशन लिखी है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा है क्या, और खुद का एक ब्लॉक बनाएगा, दैट इज इट, इतना है, चेक करने के बाद वो क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, जे इक्वल टू जीरो, अब जे इक्वल टू जीरो जैसे ही देखता है वो क्या करता है, रैम पे जाता है जहाँ जे की ब्लॉक बनी है, वहां पे जाके वो जीरो वैल्यू दे देता है, दैट्स इट, जीरो वैल्यू देने के बाद फिर क्या चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन है इस बार, जे इज लेस देन थ्री, तो कंडीशन अभी ट्रू है कि फॉल्स है, जे की वैल्यू कितनी है, जीरो है, जे की वैल्यू जीरो है ना अभी, तो जीरो है का मतलब क्या है, जीरो इज लेस देन थ्री, ट्रू है कंडीशन, कंडीशन ट्रू होने के बाद रूल क्या बताता है अपना, कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है ये कंपाइलर जो है वो इसके अंदर आ जाता है फॉर लूप के अंदर, राइट, अभी अंदर आ गया, अंदर क्या लिखा है, प्रिंट एफ स्टार और स्पेस, प्रिंट एफ स्टार और प्लेस का मतलब क्या होता है,
वो क्या करेगा, यहाँ से प्रिंटएफ का जो भी फॉर्मेट होगा यहाँ से इसको उठाएगा, ये इस तरीके से उठाएगा, उठा लिया उसने, अब क्या करेगा वो आके यहाँ पर प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे नहीं है तो सेम लाइन पे कर देगा, राइट, प्रिंट कर दिया, इतना काम खत्म हो गया उसका, राइट। अब काम खत्म हुआ है लेकिन फॉर लूप खत्म हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि कंडीशन अभी तक ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा वो, फिर से इस जगह से, कौन सी जगह से, इस जगह से वो जाएगा कहां पर, इस जगह से जाएगा वो फिर वापिस से यहां पर, ये मैंने समझाया था आपको, याद होगा, इस जगह से वो जाएगा यहां पर, जहां पर क्या लिखा है, इंक्रीमेंट लिखा है। इंक्रीमेंट का मतलब है कि इसकी वैल्यू एक से बढ़ने वाली, तो जे प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है, जे इक्वल टू जे प्लस वन, यही होता है मीनिंग, राइट। अब इसका मीनिंग, जे प्लस वन का मीनिंग क्या है, जे की वैल्यू अभी कितनी है, जीरो है, प्लस वन का वैल्यू कितना हो जाता है, वन हो जाता है, तो ये वन कहाँ जाएगा, अब बताइए ये वन कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली वन जाएगा जी यहाँ पर जाएगा वन, राइट, जे के ब्लॉक के अंदर, राइट। अब ये वन जे के ब्लॉक के अंदर गया, फिर से क्या करेगा वो, फिर से कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन थ्री, अब जे की वैल्यू कितनी है, वन, वन इज वन लेस देन थ्री, ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होता है, कंपाइलर कहाँ आएगा, कंडीशन ट्रू होने के बाद अंदर आएगा ना, अंदर आने के बाद क्या लिखा है, स्टार एंड स्पेस प्रिंट करना है उसको, तो वो क्या करेगा, यहाँ से स्टार और स्पेस को उठाएगा और क्या करेगा, कंसोल की स्क्रीन के ऊपर लाके प्रिंट कर देगा, राइट, स्पेस के साथ जैसा दिया है वैसा, देखो ऐसे ही प्रिंट हो रहा है ना, वैसा ही प्रिंट करेगा, फिर क्या करेगा, ये हो गया इसका, तो यहां से क्या करेगा वो, यहां से फिर से ऊपर जाएगा क्योंकि कंडीशन अभी तक ट्रू ही है, तो वो क्या करेगा, जे प्लस प्लस करेगा, जे प्लस प्लस करेगा, इसका मतलब क्या करेगा, अभी फिर से जे इक्वल टू जे प्लस वन लिख देगा, और जे इक्वल टू जे प्लस वन का मतलब होता है इस बार जे की वैल्यू वन थी, जे वन प्लस वन इक्वल टू टू हो जाता है, अब ये टू जो है कहाँ जाएगा, ये टू जाएगा जे के जी ब्लॉक के अंदर, समझ रहा है, जे के ब्लॉक के अंदर सर यहाँ पर जाएगा टू, बहुत बहुत सिंपल है, जैसा हमने सीखा है वैसे ही है, दो, अब यहाँ पर टू वैल्यू आ गई है, अब क्या करेगा वो, टू वैल्यू है तो वो आ जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है, अब जे इज लेस देन थ्री, तो ये कंडीशन अभी ट्रू हो रही है कि जे की वैल्यू कितनी है, दो है, दो इज ले टू इज लेस देन थ्री है ना, है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या करेगा, कंडीशन ट्रू होने के बाद फॉर लूप के अंदर जी आएगा, बराबर है ना, फॉर लूप के अंदर आता है ना, कंडीशन ट्रू होने के बाद कोई भी अगर ब्लॉक होता है तो उसके अंदर आने के लिए हम कंडीशन लगते हैं, राइट, तो कंडीशन सर रखी, कंडीशन ट्रू हो गई तो वो अंदर आ गया, अंदर आने के बाद क्या देखता है, प्रिंट एप में लिखा है, क्या लिखा है, स्टार और स्पेस दिया है, ठीक है, तो वैसे ही उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा, कैसे करेगा, यहां से इसको उठाएगा यहां तक स्पेस तक और यहां से इसको पेस्ट कर देगा, यहां से उसको ला करके रख देगा, देखो स्पेस के साथ रख दिया उसने, राइट। अब क्या करेगा वो, अब क्या करेगा, अब वेरी सिंपल, अब क्या करेगा वो, अब फिर से ऊपर आएगा, ऊपर जहां पर आपने लिखा है जे प्लस प्लस, और इस बार भी जे की वैल्यू वो बढ़ाएगा, जे की वैल्यू कितनी हो गई, अब जे प्लस प्लस का मीनिंग होता है जे प्लस वन, अब जे की वैल्यू कितनी थी, दो थी, टू प्लस वन यानी कि थ्री हो जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पर, जे इक्वल टू थ्री आ जाएगा, फिर वो क्या चेक करेगा, जे इज लेस देन थ्री, तो जे इज लेस देन थ्री का मतलब क्या है, थ्री इज लेस देन थ्री, ट्रू है कि फॉल्स है, अभी अभी एक फॉल्स बन गई कंडीशन, अब जैसे ही सर कंडीशन फॉल्स बन जाती है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स बन जाती है, ये क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर जो अंदर वाला इनर वाला फॉर लूप था उस ब्लॉक के अंदर बाहर आएगा, उस ब्लॉक के बाहर आने के बाद क्या लिखा है, प्रिंट एफ स्लैश एन, अब स्लैश एन का मतलब क्या होता है, कर्सर यहां से निकलेगा और कहां जाएगा, निचली लाइन पे जाएगा, यहां से निकल के निचली लाइन पे जाएगा, बराबर है कि नहीं, सही है क्या गलत है, स्लैश एन का मतलब वही यस है था ना, नीचे जाएगा, नीचे गया, अब नीचे जाने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर एक फॉर लूप का, ऊपर वाले फॉर लूप का ब्लॉक लिखा है, राइट, अब ये ब्लॉक क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर कंडीशन है और ये कंडीशन अभी तक ट्रू ही चल रही है, तो ये क्या करेगा, फिर से यहां से निकलेगा, यहां आएगा, अब वो क्या करेगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस करेगा, अब आई की वैल्यू कितनी है हमारी, आई की वैल्यू जीरो ही है, और जीरो प्लस वन करेगा यानी कि हो जाएगी वन, अब जीरो आई के ब्लॉक में अब क्या आएगा, बताइए आई के ब्लॉक में क्या आएगा, अब
वन। वन आएगा, वन आएगा, बराबर है ना, वन आएगा, ये वन होगा, आ गया वन। अब क्या होगा, अब जैसे ही वन आता है फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन है, आई इज लेस देन थ्री। अब आई इज लेस देन थ्री का मतलब क्या हो जाएगा, वन इज लेस देन थ्री, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यस कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू बन जाती है वो क्या करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा, अंदर आएगा इस फॉर लूप में, यहां पर आएगा, कहां पर, अब थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं मैं, यहां 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 आएगा, ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर आएगा। अब आ गया यहां पर तो आगे देखता है कि यहां पर भी फॉर लूप लिखा है। अब जैसे फॉर लूप लिखा है तो उसको मालूम है कि ये भी एक स्टेटमेंट है, कंट्रोल वाला स्टेटमेंट। अब वो क्या करता है, अब जे की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे पहले तीन हुआ करती थी, कितनी है वैल्यू अभी जे की बताइए, कितनी तीन तीन करना पड़ेगा है जे की वैल्यू, दो है सर, तीन है, तीन होना चाहिए ना, हाँ बोलो कितनी है, तीन होना चाहिए था ना सर। हाँ तीन होना चाहिए था, बराबर है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता, इस बार क्या होता है, फॉर में आने के बाद वो पहले देखता है क्या है, यहाँ पर उसने लिखा है जे, यहाँ पर उसने लिखा है, मतलब यूजर ने लिखा है, क्या लिखा है प्रोग्रामर ने, यहाँ पर जे इक्वल टू जीरो यानी इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो वो क्या करता है, जे इक्वल टू जीरो देखता है तो वो क्या करेगा, ये जो जे का ब्लॉक है ना आपने लिखा हुआ था पहले, इसको मिटा देगा और वहां क्या करेगा, जीरो वैल्यू दे देगा फिर से। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने इस बार नए से इनिशियलाइज किया है, क्या किया है, नए से इनिशियलाइज किया, क्योंकि इसका पूरा एक बार लूप खत्म हुआ था। इसको लूप क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका पूरा एक बार खत्म हुआ था, ये खत्म होने के बाद ऊपर गए थे, ऊपर वाले से फिर अंदर आए, तो अंदर आने के बाद वो क्या करेगा, सबसे पहले जे की वैल्यू को रीसेट करेगा, तो जे इक्वल टू बन जाता है जीरो, फिर वही चक्कर चालू हो जाता है, जे इज लेस देन थ्री यानी कि जीरो इज लेस देन थ्री। अब वो कंडीशन फिर से ट्रू बन जाती है, कंडीशन फिर से ट्रू होने के बाद क्या हो जाता है, वो आ जाता है अंदर वाले लूप में, यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्रिंट एफ और स्टार के बाद स्पेस, इस तरीके से। तो फिर उसको आएगा, अब निचले लाइन पे आने के लिए बोला था हमने उसको पिछली बारी, राइट, वो निचले लाइन पे आके क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट कर दिया स्पेस के साथ, आ गया। फिर क्या करेगा वो, अब निचले लाइन पे आके स्टार प्रिंट कर दिया है उसने, इस ब्लॉक की ये लाइन हो गई है, काम खत्म इसका, ठीक है। फिर क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू हमारे फॉर लूप के रूल्स के अनुसार वो यहां आएगा, क्योंकि कंडीशन अभी तक ट्रू है, आई की और जे की वैल्यू, ये जो जे की वैल्यू है वो लेस देन थ्री ही थी, अभी भी थ्री है, तो वो क्या करेगा, जे प्लस प्लस करेगा। अब जे प्लस प्लस जब करेगा तब जे प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, जे इक्वल टू जे प्लस वन। अब जे प्लस वन का मतलब क्या है, जीरो प्लस वन, और जीरो प्लस वन का मतलब हो जाता है वन, और जैसे ही वो वन लिखता है वैसे ही क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि वन इज लेस देन थ्री है क्या नहीं, तो कंडीशन अभी भी क्या हो रही है, ट्रू ही हो रही है, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है वैसे क्या करता है वो, अब यहां पर आ गया वन, आ गया यहाँ पर, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पर वन आ गया है, वन आ गया है, जैसे कंडीशन ट्रू बन जाती है वो क्या करेगा, फिर से फॉर लूप के अंदर आएगा, फॉर लूप के अंदर आने के बाद क्या लिखा है, प्रिंट एफ लिखा है, स्टार और स्पेस लिखा है, बस स्टार और स्पेस लिखा, फिर से आएगा, फिर से स्टार और प्लेस यहाँ पर दे देगा, तो हो गया प्रिंट। अब क्या होगा, प्रिंट होने के बाद वो क्या करेगा, फिर से यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ जाएगा, क्या लिखा है यहाँ पर, जे प्लस प्लस लिखा है, अब क्या करेगा वो, जे की वैल्यू फिर से बढ़ाएगा, यानी कि जे प्लस प्लस इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू जे प्लस वन, और जे की वैल्यू अभी वन थी तो पूरी मिला के हो जाती है वैल्यू टू, जब टू हो जाती है तब वो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन लेस देन थ्री है, कंडीशन फिर से ट्रू बन जाती है, कंडीशन फिर से ट्रू होने के बाद क्या होगा, ट्रू जैसे ही कंडीशन होती है फिर से वो आएगा फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर आने के बाद क्या पता चलता है उसको, प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, इसको प्रिंट करवाना है स्पेस के साथ, तो इसको यहां से ले लेगा,
पेंसिल की स्क्रीन पे जाएगा और प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो आएगा ऊपर, यहाँ पर अभी जे की वैल्यू 2 है, 1 सेकंड, जे की वैल्यू 2 बन गई है, ठीक है। फिर आएगा वो ऊपर, ऊपर आएगा तो क्या होगा, ऊपर आएगा तो फिर से क्या करेगा, वो जे प्लस प्लस करेगा, जे प्लस प्लस जैसे ही होता है तो वैसे क्या होगा, फिर से जे प्लस वन होगा, यानी कि अब होगा 2 प्लस 1, और इसका मीनिंग हो जाएगा 3। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन 3, तो इस बार कंडीशन हो जाती है फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वो इस वाले ब्लॉक से निकलता है, इस वाले ब्लॉक से निकलता है बाहर यहाँ, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट एफ लिखा है, स्लैश एन, यानी कि क्या होगा, ये जो कर्सर है ये यहां से निकलेगा और यहाँ नेक्स्ट लाइन में आके रुक जाएगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ रुकेगा। आप क्या करेगा, वो यहाँ पर रुक गया यानी कि यहाँ तो खत्म होगा, ये ब्लॉक है जो ऊपर वाला फॉर लूप, उसका एक ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिमिटेशन, उसको बोला गया है ब्लॉक का मीनिंग ये हो, अब समझ में आता है हमको कि जहां ब्लॉक एंडिंग हो जाता है वहां पर उसको रुकने के लिए बोला जाता है, और चेक करने के लिए बोला जाता है कि ऊपर जो कंडीशन लिखी थी वो सही है या नहीं। अगर सही है तो वापिस उसको जाने के लिए बोला जाएगा, और अगर गलत है तो इसके बाहर जाने के लिए बोला जाएगा। तो ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से आएगा ऊपर वाले फॉर लूप के आई प्लस प्लस पे, यहाँ आई प्लस प्लस पे, यहाँ पर आई प्लस प्लस पाने के बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस यानी कि आई इक्वल टू आई प्लस वन, और आई प्लस वन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 2। और जैसे ही 2 होता है उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, इज लेस देन 3, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो रही है। कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तब क्या होता है, यहाँ पर मैं आई की वैल्यू अपडेट कर देता हूँ, कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तो क्या होता है, आई की वैल्यू है यहाँ पर हो गई। कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद वो क्या करेगा, इस ब्लॉक से अंदर आएगा, अंदर आते ही उसको फिर से पता चलता है फॉर लिखा है, फॉर के आगे जे इक्वल टू 0 लिखा है, फिर लिखा है जे इज लेस देन 3, मतलब सारी चीजें वो चेक करेगा। अब जे इक्वल टू 0 लिखा है तो वो फिर से क्या करेगा, फिर से जे की वैल्यू को रिसेट कर देगा, फिर से इसकी वैल्यू बन जाएगी 0। अब चेक किया जाएगा कि 0 इज लेस देन 0, जे प्लस 0 इज लेस देन 3 और नॉट, तो कंडीशन फिर से ट्रू बन जाती है। जैसे ही कंडीशन ट्रू बन जाती है वैसे ही क्या होगा, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही कंडीशन ट्रू बन जाती है वैसे ही क्या होगा, यहां से कर्सर निकलेगा अंदर वाले फॉर लूप के स्टेटमेंट के पास आएगा, यहाँ क्या लिखा है प्रिंट एफ में, स्टार और स्पेस, इसको ले लेगा, इसको ले लेगा, वो आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन पे पहले ही कर्सर को लाके रोक दिया था, यहाँ आएगा, ये प्रिंट करेगा स्टार, ठीक है। अब ऊपर वाले कंडीशन अभी तक ट्रू ही चल रहा है तो वो क्या करेगा, ये इस ब्लॉक में यहाँ पर उसको रोका जाएगा, फिर वो ऊपर आएगा, ऊपर यहाँ लिखा है आई जे प्लस प्लस, तो जे प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है, वो यहाँ पर करेगा जे इक्वल टू जे प्लस वन, जे इक्वल टू जे प्लस वन, जे की वैल्यू अभी की कितनी है, 0 है, प्लस वन यानी कि कितना होगा, 1 हो गया, यानी कि जे की वैल्यू कितनी बन गई, 1 बन गई। अब जब जे की वैल्यू 1 बन जाती है तब क्या चेक किया जाता है, 1 इज लेस देन 3 और नॉट, तो ये भी जो कंडीशन है ये ट्रू बन जाती है। तो यहाँ पर ट्रू जब कंडीशन बन जाती है, यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ जे की वैल्यू को, ये क्लिक देता हूँ इसको थोड़ा, यहाँ मैं जे की वैल्यू अपडेट कर देता हूँ 1। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होता है, हमको पता है कि ये जाएगा अंदर फॉर लूप के, जहां लिखा क्या रहेगा, प्रिंट एफ लिखा है, और क्या लिखा है, स्टार को प्रिंट करना है, तो यहां से उठाएगा स्पेस के साथ, फिर से क्या करेगा, वो सेम प्रोसेस करेगा और यहां पर लाके प्रिंट कर देगा, ठीक है, यहाँ पर लाके उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेगा वो, अब कंडीशन अभी तक ट्रू है तो क्या करेगा, यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर से जे प्लस प्लस करेगा,
अब जो जे प्लस प्लस है ना उसकी वैल्यू बन जाएगी 2 बन जाएगी, उसकी वैल्यू बन जाएगी 2, इसकी वैल्यू बन जाएगी 2। अब जब इसकी वैल्यू 2 बन जाती है फिर से वो चेक करेगा, क्या करेगा, 2 इज लेस देन 3 है क्या नहीं, तो यस कंडीशन फिर भी 2 है। सो कंडीशन 2 होने के बाद वो क्या करेगा, कंडीशन 2 होने के बाद वो इस लूप में अंदर आएगा जहां पे लिखा है प्रिंट स्टार, क्या लिखा है, ये स्टार प्रिंट करने के लिए बोला है, और प्रिंट स्पेस के साथ, स्पेस के साथ, ठीक है, इसको उठाया यहां से, यहां पर कर दिया प्रिंट। तो मुझे बताइए ये जब प्रिंट हुआ अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक होगा कि ये जाएगा कहाँ, जे प्लस प्लस करने के लिए ऊपर, वो जे प्लस प्लस करेगा यानी इस बार जे की वैल्यू बन जाएगी 3, वो चेक करेगा लेस देन 3 है क्या, तो यस नॉट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये फॉल्स होने के कारण वो क्या करेगा, इस लूप से बाहर आएगा, यहाँ इस लूप से बाहर आने के बाद क्या लिखा है, प्रिंट एफ लिखा है, स्लैशन लिखा है, प्रिंट एफ स्लैशन का मतलब क्या होता है, वो नेक्स्ट लाइन पे आके खड़ा रहेगा, नेक्स्ट लाइन क्या होके खड़ा रहेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां से फिर से वो इस ब्लॉक से यहां से निकल के ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस करने के लिए, आई प्लस प्लस करेगा का मतलब क्या होगा, आई को वो रिसेट करेगा, आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू को रिसेट करेगा का मतलब क्या है, यहां से ये वैल्यू हटाएगा पुरानी वाली और नई वैल्यू दे देगा यहाँ पर 3, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी होता है, जे में भी हुआ था अभी, उसी तरीके से जे में भी हुआ था, यहाँ पर भी उसको वैल्यू दे देगा 3। अब जब 3 वैल्यू दे दिए इसने किसकी, आई की, तो वो चेक करेगा कि आई की वैल्यू 3 है तो 3 इज लेस देन 3 है क्या, तो ये फॉल्स बन जाता है। जैसे ही ये फॉल्स बन जाता है, अब ये आउटर लूप में था यानी कि यहां था, या आउटर लूप में था यानी कि यहां था, तो यहां से वो आएगा बाहर, बाहर क्या लिखा है, गेट सी एच लिखा है, गेट सी एच का मतलब क्या है कि जब तक मैं उसी चीज को, किसी कीबोर्ड की को प्रेस नहीं करूंगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से बनता है हमारा मैट्रिक्स, अगर ये हम यहाँ पर स्लैश एन यूज नहीं करते तो हमारा मैट्रिक्स नहीं बनेगा, ये सारे के सारे जो स्टार्स है वो कैसे प्रिंट हो जाएंगे, ये वन बाय वन हो जाएंगे और उस सेम रो में हो जाएंगे, तो इसको यहाँ पर होना चाहिए था, वैसे तो ऐसे होना चाहिए था, इसके बाद फिर से ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन हुए कैसे है, वो हुए मैट्रिक्स की तरह है, यानी कि मैट्रिक्स की तरह हुए है। तो हम प्रोग्रामिंग का लॉजिक यूज करके यानी प्रिंट एफ और स्लैश एन यूज करके ही सिर्फ मैट्रिक्सेस बना सकते हैं, डन, जैसे इस प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया है, यहां पर मैंने आपको दिखाया है इसका रन, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ कंडीशन डालनी है इसके अंदर कि भाई स्टार कहाँ होना चाहिए, तो स्टार होना चाहिए, देखो मैं बोल रहा हूं कि आपको मुझे इफ जहां पर आई की वैल्यू, आई की वैल्यू इक्वल टू 1 है, और सिर्फ यहां पे कर देते हैं पहली बार तो, और एल्स में लिखता हूं मैं यहां पर, ये इफ लिख दिया, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ का ब्लॉक लिखना पड़ेगा, यहां पर मैं ब्लॉक बनाता हूं इफ का, इफ का ब्लॉक क्लोज करता हूं यहां पर, ये हो गया क्लोज, फिर एल्स का ब्लॉक बनाता हूं यहां पर, एल्स लिखता हूँ, एल्स के ब्लॉक में लिखता हूं मैं प्रिंट एफ, और यहां पर लिखूंगा मैं कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो, फिर भी मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंट डी लिखूंगा, स्पेस दूंगा, और यहां लिखूंगा आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, और इसको दे दूंगा मैं ऐसे, यहाँ पे और एक मुझे लिखना पड़ेगा परसेंट डी और स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। देखते कंपाइल किया, एक एरर आ रहा है, मिसप्लेस्ड, यस एल्स का ब्लॉक बनाया है, ईव का ब्लॉक हो गया, ये ईव के ब्लॉक में जाएगा प्रिंट एफ, अच्छा ये वाला करली ब्रेसेस हमको नीचे देना पड़ेगा यहां पर, देखो अब हमने क्या किया, जहां पर आई और जे की वैल्यू कितनी है, 1 है, ऐसी जगह पे स्टार प्रिंट किया यानी बीच वाली लाइन पे स्टार आ गया हमारा,
और बाकी जगह पर का क्या आया है, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, यानी पहले कॉलम में पहले ब्लॉक में क्या आई है, 0 0। इसका मतलब है आई की वैल्यू वहां पर 0 थी और जे की भी वैल्यू वहां 0 थी। अब मुझे बताओ कि आपको किसी भी ब्लॉक में अगर प्रिंट करना है कुछ भी तो कर सकोगे ना। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, यानी कि 22 लिखा है, ऐसी जगह पर भी हम स्टार प्रिंट कर सकते हैं या कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आई की वैल्यू और जे की वैल्यू 2 बनेगी इस तरह, आई की वैल्यू भी 2 है एंड जे की वैल्यू भी 2 है, दोनों की वैल्यू जहां पे 2 है वहां पे वो प्रिंट करो। और अदर देन दिस जे हमको ये नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, मान के चलो कि मुझे बस ये कैरेक्टर प्रिंट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही, ठीक है। देखते हैं कंपाइल किया क्या हुआ। हाँ देखो लास्ट में एंडिंग में जहां पर आई की और जे की वैल्यू 0 आ रही है वहीं पर आ रहा है, देखो आ रहा है। थोड़ा सा समझने के लिए मैं इसको स्पेस दे देता हूँ, देखो आ गया। तो ऐसे इसको बोलता है पैटर्न, इसको बोला जाता है पैटर्न। अब मुझे अगर चाहिए कि पहले कोने में जाइए ऊपर वाले, तो उसकी वैल्यू क्या है, पहले कोने की, पहले केल कोने की वैल्यू है 0, आई की भी वैल्यू वहां 0 है और जे की भी वैल्यू 0 है, वहां पर रन करूंगा तो देखो पहले कोने में आ गया कि नहीं। अब अगर मुझे सेंटर में करना है तो क्या होगा, सेंटर की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट, और यहां पर भी क्या है, 1 है, तो देखते हैं, देखो आ गया सेंटर में, आ गया ना, राइट। यस तो ऐसे प्रिंट, ऐसे हम कर सकते हैं पैटर्न को प्रिंट। ये बहुत आसान होता है, सिर्फ समझना यह है कि आप कैसे इंडेक्सेस बना पाओगे, किस तरीके से आपके इंडेक्सेस बनेंगे। इंडेक्सेस का मतलब होता है मैट्रिक्स को क्या करो, सबसे पहले डिवाइड करो। यहां पर मैं क्या करता हूं, आपको मैट्रिक्स एक बार फिर से बना के दिखाता हूं अगले 2 मिनट में, ठीक है। यहाँ नई फाइल ले लेते हैं आप। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ भी लिखना है मुझे, समझो मान के चलो ये 10, ये 20, ये 30, ऐसे। और फिर मैं क्या करूंगा, अभी क्या, 10 20 30, ठीक है, ऐसा ही, मतलब कुछ भी लिखा है मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को ना पैटर्न में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसको ना आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको रोज और कॉलम्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे, देखो इस तरीके से, ठीक है। फिर इंडेक्सेस को समझना पड़ेगा, इंडेक्स यानी क्या, ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है इस ब्लॉक की आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। तो यहां पर आई की वैल्यू, ये जो ब्लॉक है यहां पर आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, आई इक्वल टू 0 है और जे इक्वल टू भी 0 ही है, राइट। आई किसको बोलते हैं हम, आई आउटर फॉर लूप क्या करता है, रो प्रिंट करता है, यानी कि ये और ये तीनों किससे होते हैं, आउटर फॉर लूप से होते हैं, राइट। ये किससे होते हैं, आउटर फॉर लूप से। और आउटर फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन किसको करते हैं, इटरेशन किससे करते हैं, आई से करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आउटर फॉर लूप के जो इटरेशंस है वो आई से होते हैं, और ये जो इनर फॉर लूप है वो क्या करता है, कॉलम्स को प्रिंट करता है, ऐसे कॉलम्स को प्रिंट करता है, यानी कि कॉलम्स प्रिंट करने वाला जो फॉर लूप है उसके अंदर हम इटरेशन कैसे देते हैं, जे से देते हैं, बराबर है कि नहीं। इनर फॉर लूप, इनर फॉर लूप हम जे से करते हैं, तो हमारा जे का वैल्यू कितना है और आई का वैल्यू कितना है, इन दो वैल्यूज का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ दी ब्लॉक, इंडेक्स ऑफ द ब्लॉक। और ये जो इंडेक्स होता है ना, इसको पकड़ करके हम कुछ भी किसी भी ब्लॉक के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग के लॉजिक की वजह से या फिर कुछ कंडीशंस की मदद से, कुछ कंडीशंस की मदद से, राइट। अगर मान के चलो मुझे ऐसे करना है, ये इस लाइन में ही करना है स्टार प्रिंट, तो भी मैं कर सकता हूँ, मुझे यहां पर भी करना है कर सकता हूँ, यहां पर भी करना है कर सकता हूँ, जहां मर्जी चाहे वहां पर मैं मैट्रिक्स को प्रिंट कर सकता हूं। समझ में आया। सो मैट्रिक्स और ये जो नेस्टेड फॉर लूप है, इसका फंडा ही इसलिए बनाया गया है कि प्रोग्रामिंग का यूज करके आप क्या कर सकते हो, पैटर्न्स लिख सकते हो या फिर मेट्राइसेस